कोरोना जैसी खतरनाक महामारी में जहां डॉक्टर्स ने अस्पतालों में अपनी जान को जोखिम में डालकर रोगियों का इलाज किया, वहीं बाराबंकी के डॉक्टर्स की एक संस्था ने सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान भूख से पीड़ित बेसहारा लोगों की मदद का जिम्मा भी उठाया। बाराबंकी जनपद के डॉक्टरों की संस्था इनर व्हील क्लब ऑफ बाराबंकी उन्नति के तत्वाधान में कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीबों एवं निराश्रितों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की एक मुहिम प्रारंभ की गई। 5 रुपए की थाली में लोगों को रोटी, चावल और सब्जी प्रदान की जाती थी। वहीं ऐसे समय में जब लोग घरों से बाहर निकलना नहीं पसंद करते थे और लोगों को जान का जोखिम भी था, इस समय में संस्था से जुड़े बाराबंकी निवासी ऋषि शर्मा और उनकी पत्नी गुंजन शर्मा ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया और यह दोनों पति पत्नी परिवार संग बाराबंकी के बस स्टॉप के निकट खाने का स्टॉल लगाकर सैकड़ों लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध करा रहे थे। जहां एक तरफ इस महामारी के कारण लोगों को जान का जोखिम था, वहीं ऐसे समय में लोगों की भीड़ को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन इन पति पत्नी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और निराश्रितों की मदद में लगातार लगे रहे। कोरोना वायरस की पहली लहर में यह दोनों पति पत्नी परिवार संग कोविड से संक्रमित हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी इस लहर में या कोरोना वायरस से डरे नहीं, बल्कि इस लहर का सामना करते हुए लोगों की मदद का जिम्मा भी उठाया, जो वास्तव में तारीफ किए जाने योग्य है। इस दौरान इंडियन ओपिनियन ने संस्था के सदस्य गुंजन शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि 5 रुपए की थाली रखने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि जब लोग रुपए लगाकर खाना खाते हैं तो वह खाना बर्बाद नहीं करते और जरूरत भर का ही खाना लेते हैं। ये संस्था गरीब लोग जो हैं, आजकल जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है उसमें जो गरीब हैं, मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो उनको जो खाने की दिक्कतें आ रही हैं तो उनके लिए ये हम लोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भोजन की। तो बस यही उद्देश्य है कि उनको एक टाइम का तो भरपेट खाना मिल सके। ये 5 रुपये थाल है, 5 रुपये की प्लेट है, भरपेट खाना है, उसके बाद अगर दूसरी बार भी बंदा लेना चाहे, तीसरी बार भी लेना चाहे तो ले सकता है। हाँ, तो फिर उनको हम लोग उनसे कोई पैसा ले लेते हैं और उनको पूरा भरपेट खाना उसी तरीके से दिया जा रहा है।